जी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है? लगता है आज सेठ जी घर नहीं गए, कुछ ना कुछ तो जरूर है। सेठ जी, महेंद्र सेठ जी, अरे कहाँ हो आप? बाहर गाड़ी में भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। चलो हम तो अपना काम करते हैं। ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? ये पानी की आवाज तो बेसमेंट में से आ रही है, अभी देखता हूं। ये देखो, किसी ने बास बेसिन का नली खुला छोड़ रखा है। मैं भी तो सोचूं कि पानी की आवाज आ कहां से रही है। अरे ओ पानी, बाप रे। ऐसा लगता है वॉश बेसिन के पाइप में कुछ अटक गया है, इसलिए सारा का सारा पानी बाहर आ गया। ये जानबूझकर नहीं किया। सब ये देखिए, इनके सर पे यहाँ पे हल्की सी चोट लगी हुई है। ये पलटाओ इसे, देखो कोई और घाव है। तो ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ खरोंच के निशान। मतलब सा हाथापाई हुई है इसकी किसी के साथ में। हाँ, लेकिन किसके साथ? क्यों? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं था, अकेले थे महेंद्र जी, तो फिर ये निशान कैसे? मुझे नहीं पता सर। झूठ बोल रहा है सर ये। इसी ने किसी के साथ मिलके अपने मालिक का खून किया है। खून? सर ऐसा इल्जाम मत लगाइए सर। किसके साथ मिलकर खून किया है? किसके साथ मिलकर? मैंने खून नहीं किया सर। देखो झूठ बोलना बंद करो। तुम तुम्हारे किसी साथी के साथ इनकी हाथापाई हुई है और तुमने इनके सर पे पीछे से वार किया और बेहोश कर दिया, और फिर तुमने पानी का नल खुला छोड़ दिया ये सोचकर कि पानी महेंद्र जी के मुंह में से उनके फेफड़ों में जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए सर। ऐसा मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। हाँ, फांसी पर तो चढ़ाएंगे ही अगर तुमने ये खून किया है, समझे? ये देखिए सर, इसने अपने दोनों हाथों से गर्दन को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? खोलो इसके हाथ, देखो कोई घाव है क्या गले में? ये क्या है? हाथ जले हुए? सर
मगर इसके हाथ चले कैसे? यहाँ पे ना कोई जलने वाली चीज है और ना ही ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आग लगी थी। वही तो। क्यों महेंद्र के हाथ तुमने ही जलाए ना, बाहर कहीं पर, और फिर उसे यहाँ पर लाके छोड़ दिया? मैंने उनके हाथ नहीं जलाए सर। तो फिर किसने जलाए? मुझे नहीं मालूम है सर। तुम ही आखिरी इंसान थे ना जो यहाँ से गए थे? नहीं सर, सबसे आखिर में तो सेठ जी जाया करते थे, मैं तो हमेशा उनसे पहले चला जाता था, और कल रात भी जब मैं गया तो वो बिल्कुल ठीक थे सर। लेकिन तुमने तो कहा कि शटर तो तुमने ही बंद किया था कल रात को। हाँ सर, पर आज सुबह भी मैंने ही आके शटर खोला था सर। तो फिर क्या महेंद्र जी ने अपने आप को मार लिया? सर ये वजह है मौत की। अस्थमा का पंप यहाँ फ्रीजर के पास पड़ा हुआ था। अस्थमा का पंप? क्यों महेंद्र जी को अस्थमा की तकलीफ थी? जी हाँ सर। सर हो सकता है जब महेंद्र को अस्थमा का अटैक आया और जैसे वो जमीन पर गिर रहा था उसका सिर किसी चीज से टकरा गया और उसके सिर पर चोट आ गई। और सर मुंह में पानी घुसने की वजह से सांसें बंद हो गई और मौत हो गई। नहीं सर, पानी का नल चालू रहना, महेंद्र के सिर पर चोट और उसके जले हुए हाथ, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है सचिन, खून है ये खून। जरा बॉडी को पलटो। अभिजीत, बस मुझे नहीं लगता है इसको किसी ने मारा है। इसका घाव गहरा नहीं है, एकदम फ्लैट है। हो सकता है किसी वजह से गिर गया हो और तभी इसे चोट लग गई। बेहोश होने की वजह से गिर गया होगा। हो सकता है। सही, अस्थमा के पेशेंट थे, इनका इनहेलर हमें वहाँ फ्रीजर के पास से मिला। तो हाँ। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, एसीबी साहब ने इसे यहाँ भेजा है। पर सर इसने अपनी सहेली के पति पे गोली चलाई थी। विवेक उस समय हालात दूसरे थे, अगर ये अपनी सहेली के पति पे गोली नहीं चलाती तो शायद इसकी सहेली आज जिंदा नहीं होती। मगर सर अपराध तो हुआ है ना पूर्वी के हाथों से, फिर भी नहीं। वो आदमी अभी जिंदा है जिस पर गोली चलाई थी इसने। और फिर इस तरीके के हालात तो हमें से किसी के साथ भी हो सकते हैं। इस आदमी की मौत अस्थमा की वजह से नहीं हुई। अस्थमा की वजह से नहीं हुई? फिर कैसे हुई? अभिजीत, इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब किसी ने इसका गला घोटा था? नहीं, गले पर तो ऐसा कोई निशान नहीं। ए? फिर मैं क्या बताऊं भाई, ये तो तुम लोग ढूंढो ना। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। फिर से उसी बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहीं पे मिलेगा इसकी मौत का कोई सुराग। सर, ये सालूम के साथ भी ना कभी कभी जो दिल में आए वो बोल देते हैं। इतने बड़े कमरे में कोई दम घुट के कैसे मर सकता है सर? बड़ी सीधी बात, चारों तरफ से कमरा बंद है, हवा की कोई भी गुंजाइश नहीं है इस कमरे में, तो क्या होगा, कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही ना, आदमी घुटकर मरेगा। सर मरने वाला अस्थमा का मरीज था, तो जैसे ही उसका दम घुटने लगा उसे यहां से ऊपर भाग जाना चाहिए था। हाँ विवेक, ऊपर तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन या तो वो ऊपर भाग नहीं सका या फिर भागने से पहले ही। क्यों गिरीश, जब तुम पार्लर से गए तब महेंद्र कहाँ था? वो पार्लर में ऊपर ही काम कर रहे थे सर। सच बोल रहे हो? जी सच बोल रहा हूँ, पार्लर में ही था। जी महेंद्र पार्लर में ही बैठा था ऊपर, तो फिर वो नीचे बेसमेंट में क्यों आया, किस लिए आया? सर शायद खूनी ने उसे ऊपर ही मार के यहां लाके डाला हो। नहीं विवेक, अब तक ये पता नहीं चला है कि महेंद्र को किसी ने मारा है या फिर वो खुद मरा है। गिरीश जी बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था महेंद्र यहाँ देर तक बैठता है? जी यहाँ काम करने वाला हर आदमी जानता है सर कि वो देर तक रुकते थे।
कहाँ है वो सब? वो बस पहुंचने वाले हैं, मैंने उन्हें बाहर इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। गिरीश कह रहा है कि उसने पार्लर का दरवाजा बंद कर दिया था, कॉरिडोर का शटर भी अंदर से बंद था, तो फिर खून खून करके भागा कैसे, गया कैसे वो यहां से, कैसे गया होगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, और कोई रास्ता है यहां से बाहर जाने का? नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, पार्लर के दोनों दरवाजे बंद थे और कोई भी रास्ता नहीं बाहर जाने का, फिर खूनी महेंद्र का खून करके यहां से भागा कैसे, कहां से गया होगा वो बाहर? चलो मान लिया कि महेंद्र अपने आप ही मर गया दम घुटने से, मगर उसका दम घुटा क्यों, कैसे घुटा उसका दम? सांस लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ, खूनी खिड़की में से भाग गया। रेडी, काम करो, बाहर की तरफ जाकर देखो, देखो कोई निशान मिलते हैं क्या। यस सर। काजल, विवेक, तुम लोग यहीं इसी कमरे में छानबीन करो, कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, खिड़की तो टेप मार के बंद की हुई है, यहां से तो हवा नहीं सकती। क्यों? ये खिड़की पहले से ही ऐसी थी? खिड़की तो पहले से ही बंद थी, मगर 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 क्या? मगर ये टेप नहीं लगी हुई थी सर। टेप नहीं लगी हुई थी तो फिर किसने लगाई थी? सर, मुझे नहीं मालूम सर। मैं तो कुछ नहीं मालूम। मेरा शक सही निकला, महेंद्र की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, और जिसने भी ये किया है सोच समझ कर प्लानिंग के साथ किया है। उसने पहले खिड़की को टेप लगाकर अच्छी तरह से पैक कर दिया ताकि हवा भी अंदर नहीं जा सके, और फिर जैसे ही महेंद्र बेसमेंट के अंदर आया, इसने वो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी और महेंद्र की मौत हो गई। सर, मगर कमरे में गैस जाने का कोई रास्ता तो होना चाहिए, ये खिड़कियां अगर बंद है तो फिर? रास्ता होगा पूर्वी, रास्ता जरूर होगा। चलो, ये है पार्लर का पिछला दरवाजा, इसके ठीक सामने एक दो तीन तीन कॉल है, इसमें बेसमेंट है, बाकी दो में क्या हो सकता है?
देखो जरा नीचे, देखो फर्श पर, अच्छी तरह से देखो, दीवारों में भी देखो, देखो कोई छेद मिलता है क्या जिसमें से वो खतरनाक गैस इस कमरे में छोड़ा गया। यस सर। देखो अच्छी तरह से, एक एक इंच देखो। क्या हुआ फ्रेडी? चूहा। हाथी चूहे से डरता है। काजल ये देखिए सर, यहाँ पर छेद है। देखा, मैं कह रहा था ना छेद है। मगर सर ऐसे छेद तो बिजली के तार वगैरह डालने के लिए किए जाते हैं ना दीवारों में। अगर ये छेद बिजली का वायर डालने के लिए बनाया गया है तो 2 या 3 इंच से ज्यादा गहरा नहीं होगा। देखो कितना गहरा है, देखो जल्दी। सर पेन तो पूरा का पूरा दीवार के अंदर चला गया सर। हाँ। और छेद तिरछा है सर, ऊपर की तरफ है। तिरछा ऊपर की तरफ, चलो देखते हैं ये छेद दूसरी तरफ कहां बाहर निकलता है। बेसमेंट में जिस दीवार पर हमें छेद मिला है उस छेद का मुंह लगता है इस कमरे में होना चाहिए। रेडी, सारे बॉक्सेस हटाओ इस दीवार से, छेद इसी दीवार पर होनी चाहिए। विवेक कहां चला गया है? सर विवेक तो कॉरिडोर में ही आया था, शायद पार्लर में कुछ ढूंढ रहा होगा। ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही छेद है जैसे नीचे बेसमेंट में था। हाँ फ्रेडी, ये उसी छेद का मुंह है और इसी छेद में से खूनी ने वो जहरीली गैस बेसमेंट के अंदर छोड़ी है। लेकिन वो यहां से कैसे भाग गया, कहां से भागा वो, कैसे? फ्रेडी कार्पेट हटाओ, देखो इसके नीचे क्या है। एक और था खाना। काजल जल्दी से टॉर्च लेकर आओ। सर हाँ, जब तक टॉर्च आती है मैं नीचे जाके देखूं। तुम जाओगे? हाँ नीचे अंधेरे में। हाँ सर। डरोगे तो नहीं? रेडियो और डर, संभल के जाओ। हाँ सर। हाँ गड़बड़ मत करना। बिल्कुल सर, संभल के। हाँ
संभाल के। मेरी क्या हुआ? यहाँ जाएगा गड़बड़ करेगा। रेडी है? कहाँ ये रेडी? कहाँ हो तुम? रेडी क्या हो गया? अब तुझे कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम गिरे कैसे? और ये क्या है, ये पाउडर तुम्हारे नाक में और मुंह में कैसे आ गई? नाक में? हाँ मुंह में। आप रेडी मुंह में? अरे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फ्रेडी सर मजाक मत कीजिए। मजाक? ये तो ड्रग्स है। फ्रेडी मजाक नहीं कर रहा है, ये ड्रग्स फ्रेडी के शरीर में गए। काजल से जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी जाओ काजल के साथ हॉस्पिटल जाओ। संभल के सर यहाँ तो पूरा का पूरा ड्रग्स का लैब है, फैक्ट्री है ये। हाँ बड़ा रैकेट दिखता है यहाँ पर। लगता है ये महिंदर आइसक्रीम पार्लर के आड़ में ड्रग्स का धंधा करता होगा। अरे रस्सी कुर्सी पर क्यों? किसी को बांध के रखा था क्या? सर कहीं विवेक को तो नहीं बांधा था यहाँ पर? हाँ फिर भी हो सकता है विवेक को ही बांध के रखा। काजल कह रही थी कि वो आइसक्रीम पार्लर में गया था कुछ ढूंढने के लिए, कि ढूंढते वो यहाँ पर तो नहीं आया, और फिर शायद उन लोगों ने। सर ब्लड ये देखिए, बिल्कुल ताजा खून है, कहीं ये विवेक का खून तो नहीं? काम करो ब्लड को उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो, तब तक मैं इस आइसक्रीम पार्लर के वर्कर से मिलता हूँ। तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में कमरा नंबर 12 में ड्रग्स बनते थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ ये नहीं हो सकता, समझे? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। सच कह रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, समझे? तुम सबके डिटेल्स चाहिए मुझे, सबके डिटेल्स, नाम और पते के साथ अभी के अभी। डॉक्टर साहब पता चला इस महेंद्र का खून किस चीज से हुआ है? नहीं अभी नहीं पता चला। अरे इतना टाइम लगाएंगे तो केस कैसे सॉल्व होगा सर? यार अभिजीत तुमसे कहा है हमेशा घोड़े पे सवार होकर के मत आया करो यार, तुम देख रहे हो ना मैं काम में लगा हूँ। एक मिनट कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि उस आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में जो खून मिला था वो किसका है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं दोस्त, किसी का भी हो सकता है, मैं कैसे बताऊं किसका है? अरे क्या हो गया, इतना उखड़े हुए क्यों है? अभिजीत देखो एक बात तो श्योर है कि उस खून का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो सर विवेक का भी है। विवेक का? जिसका डर था वही हुआ, मतलब विवेक था वहां पे, पर गया कहां? कहीं ये ड्रग्स वाला रैकेट उसी ने तो गायब नहीं कर दिया उसे? तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, सर पे कफन बांध के घुस जा ड्रग्स बेचने वाले गैंग में, बच गया तो जिंदगी भर बैठ के खाएगा, मर गया तो तेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे, सारा पैसा तेरे बच्चों को दे दूंगा। बस एक बार ये पता लगा ले कि विवेक कहां है, ड्रग डीलर्स के चुंगल में है या नहीं। ओके मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, समझा? सर विवेक का कहीं कोई पता नहीं लग रहा, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, और यहां तक के सर यहां तक के क्या? कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं क्या? हाँ सर मुझे लगा कि कहीं किसी ने उसे मार ना दिया हो, इसलिए मैंने
मुर्दा घर से भी पता किया, तो वहां पे भी नहीं है। अचानक गायब कहां हो गया? हम लोग भी तो थे वहां पे, ये गया तो गया कहां? सर, सही महेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और इसके आइसक्रीम पार्लर के फोन की कॉल डिटेल्स। ओ, कल रात 11 बजे लैंडलाइन पे किसने कॉल किया था? पूरे 1.5 मिनट तक बात हुई है। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम पार्लर बंद होने के 1 घंटे बाद किसी ने महेंद्र को फोन किया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे मालूम होगा कि महेंद्र अभी भी वहीं पे है, आइसक्रीम पार्लर में। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने फोन किया हो उसी ने महेंद्र को बेसमेंट में जाने के लिए कहा। हो सकता पूर्वी, मगर उसका दम कैसे घुटा बेसमेंट में? सर, यही मैं भी सोच रहा था कि अगर बेसमेंट में उसका दम घुट रहा था तो फिर वो वहां पे रुका क्यों, वहां से बाहर क्यों नहीं भागा? हाँ सचिन, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बेसमेंट का कुछ चक्कर है, विवेक भी बेसमेंट से गायब हुआ था। एक काम करो, बेसमेंट की एक बार फिर से तलाशी लो, शायद हमसे कोई चीज छूट गई हो। और इस नंबर के बारे में पता करो ये नंबर कहां का है। बेसमेंट की एक एक चीज छान मारी, कहीं भी कुछ भी नहीं है। काजल, कभी कभी सुराग आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। इस केस की कोई तो एक चीज है, कोई ऐसी चीज जो अभी भी हमारी आंखों से बची हुई है। सर, ऐसी क्या चीज हो सकती है? सचिन खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो वो जरूर करता है, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ कर ही जाता है। हमें उस सबूत को ढूंढना है, ढूंढो अच्छी तरह से। बेसिन में पानी अभी भी वैसा ही है। सचिन, सचिन, ये बेसिन के नीचे का पाइप खोल कर देखो, देखो कुछ अटका है क्या। सर, लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। देखो, निकालो। ये देखिए, पत्थर। पत्थर? मैंने कहा था ना सचिन, जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर। पहले पत्थर अटकाया पाइप में और फिर पानी का नल चालू कर दिया। मगर सर, महेंद्र की मौत से पानी का क्या लेना देना हो सकता है? हाँ सर, पानी तो आग बुझाती है, तो फिर हाथ कैसे जलते महेंद्र के? जिस चीज को छूकर महेंद्र के हाथ जल गए, उस चीज के लिए पानी ने बारूद का काम कर दिया। है क्या ये चीज? सरण के लगता है इस आदमी ने अपने दोनों हाथों में किसी जलती हुई चीज को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके हाथ इतनी बुरी तरह से जल गए। हाँ बॉस, हाथ बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और इसके जख्मों में से ये पस भी निकल रहा है, देखो। मगर जिस चीज से इसके हाथ जले वो चीज तो वहां थी नहीं। अगर वो चीज जलकर राख हो गई होती तो भी वहां दिखनी तो चाहिए थी ना। ये आदमी उस चीज को खा गया। मजाक कर रहे हो सालों के? खा गया मतलब? खा गया मतलब वो चीज अभी भी इसके अंदर है। मतलब इसके पेट में है? पेट में नहीं है। तो फिर? इसके फेफड़ों में है और उसी की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। मतलब वो जलती हुई चीज हवा बन गई और हवा बनके इसके लंग्स में चली गई। जी हाँ। क्या जी हाँ? अरे बॉस,
ये आदमी जलती हुई आग से नहीं मरा है। तो फिर? ये जलती हुई बर्फ से मरा है। जलती हुई बर्फ? बर्फ में आग लग सकती है? बर्फ में तो आग नहीं लग सकती है, लेकिन बर्फ आग लगा सकती है। मतलब फ्रॉस्टबाइट? लड़के होशियार है। और बर्फ आग कैसे लगा सकती है ये इसके दोनों हाथ देख करके पता लगता है। ये देखो बॉस, इस आदमी के ये दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके हैं। बॉस, इसने अपने दोनों हाथों से काफी देर तक ड्राई आइस को पकड़ा, काफी देर तक, क्योंकि इसके हाथ की सिर्फ ऊपर की खाली नहीं जली, ये देखो इसके हाथ की ये अंदर की खाल भी बुरी तरह से जल गई। लेकिन इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था बर्फ इसने? बॉस, ये आदमी पहले बेहोश था। हाँ, इसके सिर पर चोट तो है। और जब इस आदमी को होश आया, इसने देखा कमरे में चारों तरफ ड्राई आइस फैली हुई और ऊपर से पानी बह रहा है, और जब ड्राई आइस पानी से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इस आदमी का दम बुरी तरह से घुटने लगा। ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से ड्राई आइस को किनारे करके ऊपर की तरफ भागा, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद था। ये आदमी फिर से नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फैल चुकी थी, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका दम बुरी तरह से घुट गया और ये बेचारा मर गया। बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी बेचारे की। सर, ये ड्राई आइस ऐसी चीज है जो हर फैक्ट्रीज में तो बनती नहीं, कुल मिला के 3-4 फैक्ट्रीज होंगी, तो हम लोग जाके पता कर सकते हैं कि परसों रात इस आइसक्रीम पार्लर में किसने ड्राई आइस लाके दी थी। हाँ अभिजीत, पता लगा सकते हैं इस ड्राई आइस फैक्ट्री का। हाँ सचिन, कहां से? मालाड के पीसीओ। जाने सुबह से दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मारा गर्लफ्रेंड ने या फोन पे कुछ कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर क्या बताऊं गर्लफ्रेंड को, छोड़िए ना सर, लेकिन दिल तो बेशरम है ना सर, बार बार टूटता है लेकिन मानता ही नहीं, दिल तो दिल है ना सर। उसे ऐसे रहने दो सचिन, टूटा फूटा रहेगा, उस जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहेगा, एक बार पत्थर दिल हो गया ना तो लाइफ का मजा चला जाएगा। ये बात तो ऐसा है। ये बुरे ख्याल आए क्यों मगर? यही सर कि विवेक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सोच सोच के मेरा भी दिमाग खराब हो गया। फिर गया तो गया कहाँ? सर विवेक फोन क्यों नहीं कर रहा है? मुझे मालूम है विवेक कहाँ है। सर आपको मालूम है? हाँ। तो सर अब तक आपने बताया क्यों नहीं? जो मुझे भी अभी भी पता चला, वो देखो सिग्नल पे, बड़ी बुरी हालत है इसकी तो, फटे हुए गंदे कपड़े हैं इसके। एक काम करो, तुम्हें गाड़ी उस तरफ लगाओ, ठीक है? चलो। वे क्या हो गया? क्या वे तू बचा ले, इसे हो क्या गया? कुछ बोल ले रहे तो विवेक, हमें पहचान रहे हो तुम? ये भैया सर है, मैं सचिन, ये पूर्वी। किसी ने कुछ किया क्या? विवेक चलो चलो सूट ले चलते सर, चलो विवेक। अरे भाई सुनो, पैसे पैसे कौन देगा? अरे हीरा भाई, खाते में लिख रहे ना, शाम को हिसाब करता हूँ। बाप तो पीसीओ है क्या? पिछले 3 महीने से यही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ। ये गलत बात है हीरा भाई, बाप मत जाओ, तुम्हारे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या? मार के भाग नहीं रहा है मगर दे भी तो नहीं रहा है। चल अभी कभी सारा पैसा निकाल। मैं अभी भी समझा रहा हूँ हीरा भाई, हद से आगे मत बढ़। ऐसा है, एक तो झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। अरे साहब, पिछले 3 महीने से ये फोन करके जा रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा तू? बोल। उसको दे। देखा साहब, पैसे रहते हुए भी पैसा नहीं दे रहा था। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, चलो यहाँ से निकलो, आप लोग भी हटो, चले। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना? हाँ सर। अब तो खुश हो? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं CID से। CID? जी, ये पीसीओ में परसों रात को
11 बजे कोई फोन करने आया था क्या? परसों रात को 11 बजे। सोच के बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, मैं जब दुकान बंद करने के लिए बाहर निकला था तो एक कार वाला आया था फोन करने के लिए। फिर सर मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो कहने लगा बहुत जरूरी फोन करना है, खुशामद करने लगा सर। तो फिर मैंने कह दिया चलो भाई ठीक है कर लो। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? नहीं सर, उसके साथ एक और आदमी था, मगर वो कार में ही बैठा था। तुमने कुछ सुना कि क्या बातें की फोन पर उसने? सर बातें तो मैंने नहीं सुनी, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि जल्दी से इसका फोन खत्म हो और मैं घर जाऊं। कैसी कार थी कुछ पता है तुम्हें? मतलब मेरा मतलब है नंबर, गाड़ी का नंबर। सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन सर बड़ी गाड़ी थी, सफेद रंग की। ये जो आदमी पीसीओ पे फोन करने आया था, उसे आसपास कभी देखा है तुमने? सर पहले तो कभी नहीं देखा, 30-35 साल का था। और हाँ सर, वो लंगड़ा कर चल रहा था। गया, ये ड्रग्स इतने डेंजरस है कि एक बार किसी के शरीर में घुस जाए ना तो आदमी गया काम से। हाँ सर देखिए ना, विवेक का क्या हाल होगा? सर विवेक को डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दिया सर, 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा वो। नहीं दया, मुझे नहीं लगता वो 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा उसे। सर इस आइस फैक्ट्री के बगल में ये ड्राई आइस फैक्ट्री, ये आखिरी ड्राई आइस फैक्ट्री है सर, इतनी आइस शायद किसी भी ड्राई से नहीं गई। तो फिर दया वो बरा उसी आइस फैक्ट्री में से लेकर गए होंगे वो, चलो देखते हैं। पांच साल से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, फिर भी इतने बड़े लापरवाही, बिना ग्लोव पहने तुमने ड्राई आइस को हाथ क्यों लगाया? अरे उसे बाद में डांटो, पहले से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो दवा लगाओ, दवा है यहाँ पर। सुनो इसे ऑफिस ले जाना, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, जाओ जल्दी जाओ। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुखिया देख रहे, जाओ अपना काम चालू करो, जाओ। ओ चलो सर, जिस पीसीओ से महेंद्र को फोन किया गया था, उस पीसीओ वाले का कहना है कि वहां पे 2 लोग आए थे फोन करने के लिए, एक आदमी गाड़ी में बैठा था और जिसने फोन किया वो आदमी सर लंगड़ा रहा था। वो लंगड़ा क्यों चल रहा था? आप जरा बताइए, परसों रात को यहां से 15 बर्फ की सीलियां आपने किसे बेची थी? परसों रात को किसे बेची थी जल्दी बताइए। सर देखकर बताना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी ऑर्डर था सर, और अभी के अभी चाहे ऐसे बोल रहा था। तो चलिए बताइए जल्दी। हाँ सर मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या नाम है? ये जीत नाम के आदमी ने ऑर्डर दिया। जीत, इसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है? हाँ 1805976298। सर नंबर तो गलत है। मुझे तो वैसे ही लग रहा था, कोई भी गुनेगार अपना असली नंबर नहीं देगा। बस एक बात बताओ, ये बर्फ की सीलियां कौन लेकर गया था? नंदू ले गया था सर, हमारा टेम्पो ड्राइवर। कहाँ ये ड्राइवर? शायद टेम्पो में सो गया होगा। चलो दिखाओ। आइए सर। चलिए सर। अरे सुनो वो नंदू ड्राइवर कहाँ है? चाकू अपने टेम्पो में सो रहा है। आइए सर। जब देखो तो खोला रहता है, पता नहीं क्या हुआ इसका। नंदू कौन है? व्हाट सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ? बाहर निकल फिर बता रहा हूँ क्या हुआ। आजा। क्या हो गया सर?
परसों रात महेंद्र के आइसक्रीम पार्लर में ड्राई आइस का स्लैब तुम लेकर गए थे। हाँ, लेके गया था। तो क्या हो गया? नंदू, तुम इससे बात कर, ये लोग सीआईडी वाले। एक मिनट, इस फोटो को ध्यान से देखो। इसी के आइसक्रीम पार्लर में लेके गए थे ना? जी जी हाँ। तो क्या वो बर्फ की सिल्ली तुमने उतारी या किसी और ने? साहब, मेरा काम सिर्फ गाड़ी लेकर जाना है। वो आइस स्लैब के लिए उसके दो आदमी आए थे और वही लोग उतार रहे थे साहब। तो क्या उनमें से कोई लंगड़ा के चलता था? लंगड़ाते हुए तो मैंने किसी आदमी को नहीं देखा साहब। लेकिन हाँ, एक आदमी है ना, अपने दांत के नीचे कुछ दबा रहा था। वो तंबाकू या सुरते जैसी कोई चीज थी साहब। पीसीओ वाला कह रहा था कि वो आदमी लंगड़ा के चल रहा था। टेम्पो का ड्राइवर कह रहा है वो हर दो मिनट में अपने दांतों के नीचे दबा के मुंह में चबा रहा था। क्या ये एक ही आदमी है या दो अलग अलग? तो नौकरी गई, अब तो घर जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक पता नहीं चलता खून किसने किया है, समझे? पर साहब, हम सब पे शक क्यों कर रहे हो? हम तो पहली बर्बाद हो चुके हैं। किसी पर शक नहीं कर रहे, छानबीन कर रहे। सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो। क्यों? हाथ आगे करो। अब हमारी हथेली देख के क्या करेंगे? खून हमने थोड़े ही किया है। चुपचाप अपने हाथ आगे करो। चलिए हाथ दिखाइए। आजा। जाओ, इस तरफ खड़े हो जाओ। इस तरफ आइए। तुम भी आ जाओ। चलो, यहाँ पे खड़े हो जाओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। वो पता चल जाएगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, ये चारों लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू खाते हो? शर्म नहीं आती? मालूम है ना, तंबाकू जहर होता है, कैंसर होता है, कैंसर। सर, ये जो बचे लोग हैं इन सबको चला कर देखते हैं, देखते कैसे चलते हैं। चलिए आप सब लोग एक एक करके यहां से बाहर जाइए। चलिए। सबके पैर तो ठीक है सर, लंगड़ा के कोई चल नहीं रहा। वही तो। काम करो, ये जो चार तंबाकू वाले हैं ना, इन सब के पैर चेक करो। सर, जरा पैंड ऊपर करना। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप पैंड ऊपर करो। ये पैर। पैंड ऊपर करो। दूसरा पैर। पैर दिखा। ऊपर। दूसरा पैर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर भागे क्यों? सब मैं। फोन क्यों किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? आप किसी को भी पकड़ के कहेंगे खून तूने किया? सवाल मैंने इससे किया, मुंह तू खोल रहा है। अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे सीआईडी वाले, बहुत देखे। हाँ, ये भी देख ले। और नहीं करूंगा सर, फिर से कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ड्रग्स बेच के लोगों को जिंदा लाश बना रहे थे? हाँ, जिंदा लाशें। सर, मैं कह रहा हूँ ना सर, कान पकड़ता हूँ, आज के बाद ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा मैं। और तुम? पैसे के लालच में मजबूर हो गया था मैं। पैसे के लालच में अंधे होकर जहर बेच रहे थे समाज में? हाँ, महेंद्र का खून क्यों किया? सर, ये ड्रग्स का धंधा
उस आइसक्रीम पार्लर से ही चलाते थे और एक दिन अचानक महिंदर को उसका पता चल गया। फिर महिंदर हमको धमकी देने लगा कि वो हमें पकड़वा देगा। हमें मालूम था कि महिंदर अस्थमा पेशेंट, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया कि उसे बेसमेंट में बंद कर देंगे और उसमें ड्रायर्स डाल देंगे ताकि वो घुट घुट के मर सके और किसी को पता भी ना चले कि वो किस चीज से मरा है। से जो गैस निकलती है उससे दम घुट जाए और वो मर जाए। हमको पता था कि महिंदर अक्सर देर रात तक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है और उस रात भी वो वहां मौजूद था, इसलिए हमने उसको फोन किया। तुम दोनों ने विवेक को कैसे गायब किया? उस वक्त मैं दूसरे बेसमेंट में ही था जब आप लोग वहां पहुंचे। पता नहीं कहां से अचानक विवेक उस बेसमेंट में आ गिरा। मुझे लगा कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे तो तुमने फौरन विवेक को इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। और वो फौरन चंकी बन गया और बार बार ड्रग्स मांगने लगा और फिर हमने उसे पीछे के रास्ते से निकाल के सड़क पर छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने नौजवान नशे के लत में डूब गए, न जाने कितने घर तबाह हुए। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.